हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंडेंस मिल्क बनाएंगे इंस्टेंटली। 5 से 7 मिनट में आपका कंडेंस मिल्क बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 2 इंग्रेडिएंट इसमें हमें चाहिए मेन, जो कि इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कंडेंस मिल्क को हम यूज़ करते हैं एगलेस केक्स में, स्वीट्स में और आइसक्रीम्स में। तो गाइस चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स गेट स्टार्टेड। कंडेंस मिल्क बनाने के लिए यहाँ पे हमने शुगर ली है और मिल्क पाउडर लिया है। 3/4 कप शुगर है यहाँ पे और 3/4 कप ही मिल्क पाउडर है। अब हम 1 कप मिल्क लेंगे। इसे हम सबसे पहले पैन में डालेंगे। अब हम इसमें शुगर मिला देंगे। 3/4 कप से 1 कप तक आप डाल सकते हैं शुगर इसमें। इस तरीके से हम कंडेंस मिल्क बहुत जल्दी बना सकते हैं। शुगर डिज़ोल्व होनी शुरू हो गई है तो अब हम इसे चलाते रहेंगे। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। 3/4 कप से 1 कप तक आप मिल्क पाउडर ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। अगर आपके पास विस्कर है तो आप उससे भी मिला सकते हैं। फ्लेम स्लो पे कर लेंगे, नहीं तो इसमें लंप रह जाएंगे। तो ये प्रोसेस आपने बहुत जल्दी करनी है। इसमें कोई भी लंप नहीं रहना चाहिए। अच्छे से हम इसे स्मूथ कर लेंगे। विस्कर या फोक की हेल्प से आप बहुत जल्दी इसमें से लंप्स ख़त्म कर सकते हैं। और थ्रू आउट हम फ्लेम मीडियम रखेंगे इसे चलाते हुए, बट जब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे तब आपको फ्लेम लो पे रखनी है और इसे डिज़ोल्व होने तक, मिल्क पाउडर को अच्छे से डिज़ोल्व होने तक आपने उसे लो फ्लेम पे रखना है। अब हमने फ्लेम मीडियम कर लिया है और इसे चलाते रहेंगे। ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक ही चलाएंगे। इसके लम्स ख़त्म हो जाएंगे और ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। कंडेंस मिल्क अब रेडी है। अब हमें इसमें एक और इंग्रेडिएंट डालना है। बेकिंग सोडा 1 पिंच डालेंगे जिससे कि ये फ्लफ़ी हो जाएगा। कंडेंस मिल्क में अच्छा टेक्सचर लाने के लिए हम बेकिंग सोडा इसमें ऐड करते हैं, जिस तरह से हमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में ये चाहिए। अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं चलाएंगे। ये अब रेडी हो चुका है। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा ठंडा होने के बाद, और भी ज़्यादा थिक हो जाता है कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप शुगर और मिल्क के साथ भी इसे बना सकते हैं। उस केस में आप 1/2 लीटर मिल्क लेंगे, उसे आधा होने तक उबालते रहेंगे। मिल्क से बनाने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो भी रेफ़र कर सकते हैं, उसमें मैंने इसे डिटेल में बताया हुआ है। तो इस तरह से हमारा कंडेंस मिल्क बिल्कुल रेडी है। मिल्क पाउडर से आप इंस्टेंटली बना सकते हैं। अगर आप मिल्क से बनाते हैं तो आप मिल्क को उबालने के बाद, फर्स्ट बॉयल आने के बाद आप उसमें शुगर ऐड करेंगे और उसे 1/2 होने तक चलाते रहेंगे। उसके बाद आप लास्ट में उसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। 1 पिंच ही डालना है आपको। तो देखिए हमारा कंडेंस मिल्क कितना अच्छा रेडी हो गया है। इसे आप किसी भी डिज़र्ट में, स्वीट्स में बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मार्केट से कंडेंस मिल्क हमें 1 कैन 150 के अराउंड मिलता है, तो यहाँ पे आप इसे 50 रुपीज़ में आसानी से बना सकते हैं घर पे, और बहुत सी आइसक्रीम, डिज़र्ट्स, मिठाइयों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ आप भी घर पे बनाएं और इससे और भी बहुत सारी डिशेज़ आपकी रेडी हो सकती हैं। तो ठंडा होने के बाद देखिए इसकी ये राइट कंसिस्टेंसी आ जाएगी। मार्केट से हम जो लेके आते हैं उसकी कंसिस्टेंसी भी कुछ ऐसी रहती है। अगर आपसे ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो आप इसे थोड़े से मिल्क के साथ और डिल्यूट कर लेंगे और फिर ठंडा होने के बाद वो सेट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कंडेंस मिल्क को एगलेस केक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो हमें फ्लफीनेस चाहिए होती है वो हमें कंडेंस मिल्क से ही मिलती है। तो देखिए गाइज आप घर पर बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। इंस्टेंटली वे भी मैंने इसकी आपको बता दी है। और अगर आप मिल्क से बनाना चाहते हैं तो आप मेरी दूसरी रेसिपी भी रेफ़र कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।